नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड प्रथम वर्ष के EPC 1 सेक्शन के इकाई 1 के अंतर्गत गुलिस्ता बोस्ता की कथाएं। इकाई 1 का ये अंतिम टॉपिक है, आज हमारा इकाई 1 समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। गुलिस्ता बोस्ता से कथाएं। हमने पिछले वीडियो में पंचतंत्र की कहानियां, बौद्ध साहित्य से कथाएं, जातक थेर एवं थेरी को पढ़ा था, और उसके अलावा हमने जाना था जैन साहित्य से कथाएं, और आज हम जानेंगे गुलिस्ता बोस्ता से कथाएं। गुलिस्ता बोस्ता है क्या? तो सबसे पहले हम जानते हैं गुलिस्ता बोस्ता आखिर है क्या। ये गुलिस्ता बोस्ता एक शेख सादी की उपदेशनात्मक कथाओं का संग्रह है, एक कहानियों का कलेक्शन है जिसमें हमको मोटिवेशनल स्टोरीज मिलती है, कहानियाँ मिलती है, जिसकी रचना शेख सादी के द्वारा की गई थी। इनकी अधिकतर कहानियाँ जो है, जिनके अधिक उपदेश हैं, वो कथाएं के रूप में लघु रूप में निर्मित हैं। जितनी भी लघु कथाएं हैं इनकी, एक उपदेशनात्मक के रूप में निर्मित की गई है। लेकिन सादी ने ये उपदेश बड़े ही सरस एवं सुबोध ढंग से प्रस्तुत किए हैं। शेख सादी ने जो कहानियां कही है, एक छोटी छोटी कहानियों के रूप में हमको प्राप्त होता है गुलिस्ता बोस्ता के अंदर। जब हम कहानियां पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि छोटी छोटी कहानियां हैं, लेकिन बहुत ही तार्किक ढंग से उनको प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि सादी की कथा प्रस्तुति स्वयं उनकी विलक्षण प्रतिभा का प्रमाण है। सादी जो थे एक विलक्षण प्रतिभा के थे, और वो शब्दों के साथ बहुत अच्छे से खेलते थे। आप यूं समझ सकते हैं कि जैसे एक चित्रकार रंग से खेलता है, ठीक उसी प्रकार शेख सादी शब्दों के द्वारा खेलते थे। वो शब्दों का चयन उनका बहुत ही अद्भुत था। वो शब्दों का चयन करके एक से बढ़कर एक कहानियां कहते थे, और किसी भी विषय को बहुत ही तार्किक रूप से प्रस्तुत करते थे। वह जिस बात को लेते थे और ऐसे उत्कृष्ट और भावपूर्ण शब्दों में वर्णन करते थे कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हम यहाँ शेख सादी की विलक्षण प्रतिभा के कुछ नमूने देखेंगे कि वो कैसे शब्दों का प्रयोग करते थे। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, हम उदाहरण के स्वरूप में लेते हैं कि पेट पापी है, इसके कारण मनुष्य एवं जीव जंतुओं को बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। यदि इस वाक्य को शेख सादी कहते तो कैसे कहते हैं, और उन्होंने कैसे कहा है? उन्होंने कहा है कि यदि पेट की चिंता न होती तो कोई चिड़िया जाल में न फंसती। बल्कि कोई बहेलिया जाल ही न बिछाता। ये किसके लिए होता है? सब खाने के लिए होता है। चिड़िया को खाना चाहिए तो वो दाना चुगने के लिए शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाती है। और बहेलिया जाल क्यों बिछाता है? क्योंकि उसको भी खाना चाहिए, तो चिड़िया को मार करके उसको खाएगा वो, या उसको बेच करके उससे अन्न प्राप्त करेगा। तो एक शब्दों का चयन था जो शेख सादी के द्वारा किया जाता है। हम यहाँ एक और उदाहरण लेते हैं, हम एक और यहाँ पर वाक्य ले रहे हैं कि भीख मांगना जो एक निंदनीय कार्य है, उसका अपराध केवल फकीरों पर ही नहीं बल्कि अमीरों पर भी है। एक वाक्य है कि भीख मांगना तो बहुत ही खराब काम है, निंदनीय काम है, लेकिन इसका अपराध हम केवल भिखारियों को नहीं दे सकते हैं, केवल फकीरों को नहीं दे सकते हैं, इसमें कहीं ना कहीं योगदान अमीरों का भी बहुत होता है। यदि इस वाक्य को शेख सादी प्रस्तुत करते हैं
देखिए किस अंदाज में वो प्रस्तुत किए हैं। शेख सादी ने कहा है कि यदि तुम में न्याय होता और मुझ में संतोष, यदि तुम में न्याय होता और मुझ में संतोष तो संसार से मांगने की प्रथा ही समाप्त हो जाती। ये दोनों पर एक कटाक्ष कर रहे हैं, दोनों पर एक व्यंग किए हैं कि तुम में न्याय होता, यदि अमीरों के बीच न्याय होता और मुझ में संतोष और भिखारियों में संतोष होता। आप देखोगे किसी भिखारी को कितना भी दे दीजिए कभी उसे संतोष नहीं होता है, और अमीर लोग में न्याय नहीं होता है। तो वो दोनों को बोल रहे हैं कि यदि तुम में न्याय होता और मुझ में संतोष तो दुनिया से या संसार से मांगने की प्रथा ही समाप्त हो जाती। तो ये तो ऐसे बहुत सारे हमको व्यंग मिलेंगे जब हम की कहानियाँ पढ़ेंगे। आगे कुछ हम रचनाएँ जान लेते हैं जो कि गुलिस्ता बोस्ता से ली गई है, कुछ कहानियाँ हैं। पहली कहानी का नाम है उत्तम उपासना, दूसरी कहानी है सुखद समाचार, तीसरी कहानी है दो फकीर और चौथी कहानी है निंदा। और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, हम यहाँ चार कहानियाँ के बारे में जिक्र करेंगे। कहानी पढ़ने से पूर्व थोड़ा सा हम शेख सादी के जीवन पर प्रकाश डालते हैं, वो कौन थे, कहाँ के थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी और उन्होंने गुलिस्ता बोस्ता की रचना कब की है, कैसे की है। तो शेख सादी के बारे में माना जाता है कि वो 12वीं सदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार के साथ साथ महान संत और विचारक थे। वो 12वीं सदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार के साथ साथ एक महान संत और एक विचारक भी थे, यानी कि एक फिलोसफर भी थे। उनकी कहानियाँ मूल पर्शियन भाषा में कही गई है। उन्होंने जितनी भी कहानियाँ कही है उनकी जो अपनी भाषा थी पर्शियन भाषा में उन्होंने सारी कहानियाँ कही है। शेख सादी की शिक्षाप्रद कहानियाँ सदियों से सारे जगत के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनी हुई है। उन्होंने जितनी भी कहानियाँ कही है सब एक मोटिवेशनल स्टोरी के रूप में हमारे समक्ष आज भी प्रस्तुत है। शेख सादी का पूरा नाम शेख मुसलुद्दीन सादी था और इनका ईरान के दक्षिणी प्रांत में स्थित सिराज नगर में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था ईरान में, ईरान में एक जगह है सिराज, उसी सिराज में इनका जन्म हुआ था 12वीं सदी के आसपास। इनकी कहानियाँ जो है हमको आगे भी जानेंगे कहानियाँ के बारे में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है सिराज में ही हुई, इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई वो सिराज में ही होती है, और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए उसने बगदाद के निजामिया कॉलेज में प्रवेश ले लिया। अपनी प्रारंभिक शिक्षा वो सिराज में लेते हैं, उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए वो कहाँ चले जाते हैं, वो बगदाद चले जाते हैं। बगदाद में एक निजामिया कॉलेज है, वहाँ पर उस कॉलेज में वो एडमिशन ले लेते हैं। और पढ़ाई समाप्ति के बाद जब उनकी कॉलेज लाइफ समाप्त हो जाती है उसके बाद उन्होंने इस्लामी दुनिया के कई भागों में लंबी यात्राएं की, क्योंकि उनको घूमने का ही बहुत शौक था। तो जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो जितने भी इस्लामी कंट्री हैं उन्होंने उस सब की लंबी यात्राएं की, सब देशों की यात्रा की, जैसे सीरिया, तुर्की, ऐसे बहुत सारी देशों का उन्होंने यात्रा किया। और इसके साथ ही साथ वो भारत की भी यात्रा पर आए। और उन्होंने यहाँ पर क्या देखा, जब वो अपनी कहानी लिखते हैं तो उसमें उन्होंने सोमनाथ मंदिर का जिक्र करते हैं। जब भारत आते हैं तो देखते हैं भारत का सोमनाथ मंदिर। आप सभी को पता होगा सोमनाथ मंदिर गुजरात में है और जिसे हम लोग प्रथम ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जानते हैं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा पुनः निर्मित किया गया था। तो उसी सोमनाथ मंदिर के बारे में शेख सादी भी जिक्र किए हैं। एक बहुत ही रोचक घटना है जो शेख सादी के साथ हुई थी, तो इसका भी वर्णन वो अपने यात्रा वृत्तांत में करते हैं। तो उनका कहना है कि एक बार सीरिया में ही एक बार उन्हें जेल जाना पड़ा। अब किस कारण से जेल गए इसका वर्णन तो हमें नहीं प्राप्त होता है, लेकिन उन्हें जेल जाना पड़ा था।
और जहाँ से उनके एक पुराने दोस्त ने 10 सोने के दिनार, दिनार मतलब सोना के सिक्का, 10 सोने के दिनार देकर वहाँ से मुक्त किया। जब वो जेल चले जाते हैं तो उनके परम मित्र होते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पर 10 सोना का सिक्का दे करके उनको जेल से रिहा करते हैं, और रिहा करने के बाद 100 दिनार देकर, 100 दिनार उनको जो है दहेज में देकर अपनी लड़की का विवाह भी शादी से कर दिया। देखिए दहेज प्रथा का भी यहाँ पर जिक्र हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दहेज लेकर करने से नुकसान क्या होता है, क्योंकि उन्होंने 100 दिनार लेकर शादी किया था, क्योंकि वो 100 दिनार लिए नहीं थे, उनको दिया गया था, और चूंकि उनके जो दोस्त हैं उनको रिहा किए थे तो उनका बात भी उनको मानना था, तो अपनी बेटी की शादी क्या किए, 100 दिनार देकर उनसे कर दिए। अब वह लड़की क्या थी, बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी, वह अपने पिता द्वारा धन देकर छुराए जाने की चर्चा कर अक्सर शादी का मजाक उड़ाया करती थी। वह हमेशा बोलती थी कि आप तो जेल में चले गए थे, मेरे पिताजी ने पैसे दे करके आपको छुराया, अगर वो आपको नहीं छुराते तो आप अभी तक जेल में ही रहते। ऐसी बातें कह के उनका हमेशा मजाक उड़ाया करती थी, क्योंकि उसका स्वभाव ही दुष्ट प्रवृत्ति का था, उसका स्वभाव अच्छा नहीं था, इसीलिए उसी स्वभाव को छिपाने के लिए शायद उनको दहेज दिया गया हो। तो जब बार बार ऐसी बातें सुनकर शेख शायद तंग हो गए, तो ऐसे ही एक अवसर पर सादी ने उसके व्यंग का उत्तर देते हुए जवाब दिया। जब वो बहुत तंग हो गए तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि हाँ मैं मानता हूँ तुम्हारे पिता ने 10 दिनार देकर मुझे आज़ाद तो करवाया था, लेकिन फिर 100 दिनार के बदले उसने मुझे पुनः दासता के बंधन में बांध दिया, यानी कि मुझे गुलामी के बंधन में बांध दिया। शेख आदि कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे पिता ने तो मेरी मदद की थी, मुझे 10 दिनार के बदले छुरा तो लिया, लेकिन उसके बाद 100 दिनार और देकर मुझे गुलामी के बंधन में बांध दिया, ऐसे बंधन में बांधा कि इस बंधन से कभी हम आज़ाद नहीं हो सकते हैं। तो ये उनके जीवन का एक प्रसंग था जिन्होंने वर्णन किया है। जब शेख सादी पूरे देश की यात्रा कर लेते हैं तो लास्ट में फिर अपने गांव चले जाते हैं, यानी कि सिराज फिर लौट आते हैं। कई वर्षों की लंबी यात्रा के बाद सादी फिर सिराज लौट कर चले जाते हैं, और लौटने के बाद अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गुलिस्ता बोस्ता का लिखने का कार्य आरंभ किया। आपके एग्जाम में प्रश्न भी आता है गुलिस्ता बोस्ता से, तो आप दे सकते हैं कि शेख सादी पहले पूरे देश की यात्रा की है, वो भारत भी गए, तुर्की भी गए, ईरान भी गए, जहाँ जहाँ गए, तो जो उनका यात्रा अनुभव रहा उसी अनुभव को उन्होंने गुलिस्ता बोस्ता में लिखने का कार्य किए हैं। लिखने का कार्य कब किए, जब सारी यात्राएं उनकी समाप्त हो गई। इसमें उसने विभिन्न देशों से प्राप्त अनोखे तथा मूल्यवान अनुभवों का वर्णन किया है। वो जिस देश में गए उनको जो अनुभव प्राप्त हुआ, जो उन्होंने सीखा, उस सबका वर्णन वो गुलिस्ता गोष्ठा में किए हैं। शेख सादी के बारे में कहा था कि ये फारस के अनेक कवियों की तरह सादी सूफी नहीं थे। सूफी का मतलब ये धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं थे, इनकी भी जो रचना होती थी वो धर्म से ओतप्रोत नहीं होती थी, वे एक व्यवहारिक व्यक्ति थे, यानी कि वो एक व्यवहार के बीच रहते थे, जो उनको सीखते थे, जो अनुभव करते थे अपने जीवन में, बस उसी का वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। जब हम इनकी रचना पढ़ते हैं तो कहीं भी हमको इसमें धर्म विशेष की बातें नहीं मिलती है, क्योंकि इनमें सांसारिक बुद्धि एवं विलक्षण प्रतिमा विद्यमान थी, क्योंकि ये जितनी भी सांसारिक बुद्धि होती है विलक्षण प्रतिभा के थे, इन्होंने जितनी भी रचनाएं रची है सब में व्यवहारिकता हमको दिखती है। तो ये तो था शेख सादी के बारे में। इनकी कुछ कहानियां हैं, जैसे कि मैंने 4 कहानियां को आपको पहले बताया था, तो चलिए एक एक करके उनकी कहानियां भी सुन लेते हैं। उनकी पहली कहानी है निंदा,
चूंकि एक लघु कहानी है, तो उन्होंने जितनी भी रचनाएं रची है सब लघु रूप में ही है। तो उनकी पहली कहानी है निंदा। शेख सादी बाल्यावस्था में अपने पिता के साथ मक्का जा रहे थे। सारी रात वो कुरान पढ़ते रहे। कई आदमी उनके पास खराटे ले रहे थे। वो बचपन में अपने पिताजी के साथ मक्का जा रहे हैं और वो सारी रात रात में सोए नहीं, वो कुरान पढ़ते रहे। तो उन्होंने क्या देखा कि जो उनके साथ जो आदमी गए थे वो क्या कर रहे हैं, खराटे लेकर सो रहे हैं, यानी कि आराम से सो रहे हैं। तो सादी ने अपने पिता से कहा कि इन सोने वाले को देखिए कितने आलसी हैं, नमाज पढ़ना तो दूर रहा, कोई सुबह तक उठता नहीं है। जब उन लोगों को देखा तो शेख सादी ने अपने पिता से कहा कि देखिए लोग कितने आलसी है, पूजा पाठ तो करते नहीं है, नमाज तो पढ़ते नहीं है, और सुबह भी ये लोग अभी तक उठे नहीं है। तो उनके पिता ने उत्तर दिया कि बेटा तू भी सोया रहता तो अच्छा था। उनके पिताजी बोलते हैं कि बेटा तू भी सोया रहता तो अच्छा था, किसी की निंदा करने से तो बचा रहता है। इस कहानी से हमें सीखते हैं कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं उसको करने दीजिए, आप बस बेहतर रहिए, हमको किसी की शिकायत नहीं करनी है। तो उनके पिताजी बोलते हैं कि आप भी सोए रहते तो बढ़िया रहता है, क्योंकि आप उस टाइम किसी की निंदा तो नहीं करते, किसी की शिकायत तो नहीं करते। ये कहानी थी। और एक दूसरी कहानी है सच्ची कविता। एक कवि के ऊपर है, तो चलिए इस कहानी को भी हम सुनते हैं। कि एक कवि थे और जिसके सामने होते उसकी प्रशंसा में कविता सुनाते थे। ये कवि का अपना व्यवहार था कि वो जिस व्यक्ति के सामने जाते उसकी प्रशंसा में कविताएं सुनाना शुरू कर देते, भले वो व्यक्ति उस प्रशंसा के अधिकारी हो या नहीं हो। उनका काम बस यही था कि बस प्रशंसा में कविता सुनाना, उनकी बड़ाई में कविता सुनाना, और उसके बदले उन्हें जो कुछ भी इनाम में मिलता उससे उनका गुजर बरस बसर आराम से चल रहा था। कविता सुनाते थे और खुश होकर के व्यक्ति जो उनको कुछ दे दिया उससे उनका काम चल जाता था। एक बार की बात है, वह डाकुओं के डेरे पर जा पहुंचे और डाकुओं के सरदार की प्रशंसा में कविता सुनाने लगे। अब हुआ क्या कि वो डाकू के पास चले जाते हैं। अब डाकू किस प्रवृत्ति के होते हैं आप सभी को पता है। तो डाकू के जो सरदार हैं उनके पास जाते हैं और उसका सरदार के प्रशंसा के बारे में कविता सुनाने लगते हैं। तो डाकू के सरदार ने कहा कि इस मूर्ख को पता नहीं है कि हम डाकू हैं, खून खराबा लूटपाट ही हमारा पेशा है, और यह हमारी झूठी तारीफों के पुल बांध रहा है। इसके कपड़े उतार कर डेरे के बाहर फेंक दो। डाकुओं के सरदार ने आदेश दिया कि ये कौन सा बेवकूफ आ गया है, हम डाकू हैं, हम लोग का काम होता है लूटपाट खून खराबा करना, यह हमारी पेशा ही है, और यह हमारी झूठी तारीफ कर रहा है, हमें तारीफों के पुल बांध रहा है। इसके सारे कपड़े उतार कर इसे कबीले से बाहर फेंक दीजिए, डेरे से बाहर फेंक दीजिए। अब सरदार का आदेश था तो मानना ही पड़ा, उनके साथ वैसा ही किया गया। अब बिना कपड़े के कभी महोदय बाहर चले गए, डेरे के बाहर फेंक दिया गया। अब उन्हें देख करके आसपास के कुत्ते भौंकने लगे और उनको पीछा भी करने लगे, इनको कई कुत्ते काटने के लिए भी दौड़ पड़े। तो कुत्तों को मार भगाने के लिए कभी ने पास ही का पत्थर उठाना चाहा। उनके पास दिखा एक पत्थर का टुकड़ा, तो सोचे कि उठा करके कुत्तों को मारते हैं, शायद कुत्ते ही से भाग जाए। परंतु कभी का नसीब यहाँ भी साथ नहीं दिया और वह पत्थर जो है जमीन में धंसा हुआ था। बहुत कोशिश किए लेकिन पत्थर उठा नहीं। तो कभी महोदय गुस्से में चिल्लाते हैं कि कैसे लोग हैं यहाँ के, कितने बेवकूफ लोग हैं यहाँ के, कि कुत्तों को तो खुला छोड़ देते हैं और पत्थरों को जमीन में गाड़ कर रखते हैं।
यहाँ के कैसे लोग हैं कि कुत्ता को खुला छोड़ दिए हैं काटने के लिए और पत्थर को जमीन में गाड़ कर रख रहे हैं, और कभी जो है गुस्से से कांप रहे थे, पत्थर भी नहीं निकल रहा था, कुत्ता भी परेशान कर रहे हैं। तो डाकुओं के सरदार ने कवि की गुस्से भरी बातें सुनी तो हंसकर कवि को वापस बुलाया। जब डाकू ने यह बात सुनाई, कवि गुस्सा में होकर बोल रहे हैं, तो उन्हें पुनः वापस बुलाता है और कवि से बोलता है कि तुम तो बहुत बुद्धिमान मालूम पड़ते हो, चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी, जो चाहते हो मांगो। डाकू बोलता है कि आप तो बहुत बुद्धिमान हमको मालूम जान पड़ते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा हम पूरी करेंगे, आपकी जो इच्छा है मांगिए, हम वो देने के लिए तैयार हैं। तो कभी तो ऐसे भी डरे हुए थे, डर डर कर बोलते हैं कि बस मेरे कपड़े वापस कर दीजिए और मुझे जाने दीजिए। तो डाकू का सरदार बोला कि बस, अरे भाई कुछ और मांगो। कवि बोला कि कवि महोदय बोलते हैं कि कामना किसी भले मानस से की जाती है, आप तो डाकू हैं, कामना किससे की जाती है, मांगा किसे जाता है, भले आदमी से, लेकिन आप तो डाकू हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं, लुटेरे हैं। भय और गुस्से से कवि की आवाज कांप रही थी। अब कभी यहाँ पर सत्य बोल रहा है कि आप तो डाकू हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं, लुटेरे हैं, तो हम आपसे कामना क्या करें, आपसे हम क्या मांगें। भय और गुस्सा में कभी की आवाज एकदम कांप रही थी। तो सरदार ठठा कर हंसा और बोला, कभी महोदय, यह जो तुमने अभी कहा ना, यही तुम्हारी सच्ची कविता है। सच्ची कविता वही होती है जिसमें सच्ची बातें कही जाए। अगर हम सच्ची बातें नहीं कहते हैं तो हम कवि नहीं है। कवि का अर्थ ही होता है कि हम जो सच्चाई देखें उसी को बयां करें, किसी की चापलता में हम बराई नहीं करेंगे, जो जैसा है हमको वही कहना है। तो सच्ची कविता वही होती है। तो ये दूसरी कहानी थी, और एक और कहानी है गुलिस्ता बोस्ता से ली गई है, उस कहानी का नाम है दो फकीर। तो उस कहानी को भी हम सुन लेते हैं, क्योंकि आपके परीक्षा में कहानी लिखने के लिए भी कई बार आता है कि गुलिस्ता बोस्ता से आप कहानी लिखिए। तो दो कहानी तो हमने सुन लिया, तीसरी और अंतिम कहानी सुनते हैं, जिससे कि आप एग्जाम में इसको भी लिख सकते हैं। कहानी कुछ यूँ है कि दो फकीर थे, यानी कि दो भिखारी थे, उनकी आपस में गहरी दोस्ती थी, पर दोनों की शक्ल सूरत और खान पान में बड़ा अंतर था। दो भिखारी थे और दोनों में दोस्ती बहुत थी, लेकिन अंतर क्या था, दोनों की शक्ल सूरत और खान पान में बड़ा अंतर था। एक मोटा मुस्टंदा था, मतलब बहुत हेल्दी था, और दिन में कई बार खाने पर हाथ साफ करता था, यानी कि एक मोटा ताजा था, और उसको दिन भर यही फिक्र रहती कि हमको कितना खाना मिले, वो दिन भर खाने के पीछे पड़ा रहता था और दिन भर में कई बार खाना खाता था। पर दूसरा उसके ठीक विपरीत था। वो क्या करता था, वो कई कई दिन उपवास करता था, वो खाना पीना कम खाता था और उपवास ज़्यादा करता था, पूजा पाठ ज़्यादा करता था, इसीलिए वो दुबला पतला हो गया था। यानी कि आप यूं समझ सकते हैं कि दो भिखारी थे, एक दुबला पतला था और एक मोटा ताजा था। एक बार हुआ क्या कि राजा के लोगों को इन फकीरों पर शक हुआ। राजा के लोगों को लगा कि ये तो किसी बैरी बादशाह के जासूस लग रहे हैं। बस फिर क्या था, राजा को शक हुआ और दोनों को पकड़ करके जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया। और जेल की कोठरी में डालने के बाद लोग उसको भूल गए कोठरी को खोलना। कई दिन के बाद दरवाजा को खोला गया तो जेल के अधिकारियों ने देखा कि दोनों कैदी धरती पर लुढ़के पड़े थे, दोनों एकदम मरने के जैसा हो गए थे, कि कई दिन से उनको खाना पीना नहीं दिया गया था, कई दिन से गेट बंद था। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो पाया कि मोटा और तगड़ा कैदी तो
दम तोड़ चुका था, जो मोटा और तगड़ा कैदी था वो मर चुका था, लेकिन दूसरा दुबला पतला कैदी आंखें मूंदे पड़ा था और कदमों की आहट पाकर उठ बैठा। लोगों को हैरानी का ठिकाना नहीं था, सब यह देखकर हैरान थे कि जिस भिखारी को मरना चाहिए था वो बच गया है और जिसको बचना चाहिए था वो मर गया है, यानी कि जो मोटा ताजा था वो मर गया है और जो दुबला पतला था अभी तक भी जिंदा है। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी, तो सबको हैरान देख करके एक सिपाही में एक समझदार सिपाही था, उसने कहा कि ठीक तो है, मोटा तगड़ा भिखारी देखने में ही तगड़ा था, वो देखने में ही मोटा था, असल में उसमें सहने की ताकत दूसरों से कम थी और वह दिन में कई बार खाता था, यानी कि वो दिन भर में कई बार वो खाना खाता था, पर जब उसको कई दिन तक खाने को कुछ नहीं मिला तो वह कैसे जिंदा रहता। जो मोटा और ताज़ा भिखारी था उसको दिन भर खाने की आदत थी, लेकिन यहाँ पर कई दिन तक जब उसको खाना नहीं मिला तो वो जिंदा नहीं बचा। लेकिन यह जो बचा है, जो एक और भिखारी जो था वो जो बच गया है, उसने कई बार फाके किए होंगे, यानी कि वो दिन में कई बार खाना नहीं खाया होगा और इसने भूख को रोक सकने की आदत डाल रखी थी जो इस कठिनाई में काम आई। दूसरा जो भिखारी था उसको भूख को रोकने की आदत थी, जिस वजह से इस मुश्किल परिस्थिति में भी वो उसके काम आई और वो बच गया। इसलिए कहा गया है कि अपनी भूख और लालसाओं को वश में करने से सचमुच ताकत बहुत बढ़ जाती है। यदि हम अपनी भूख और लालसा को वश में करके रखें, हम उसके अधीन नहीं रहें, तो हमारी ताकत जो है बहुत अधिक बढ़ सकती है। तो ये तो थी गुलिस्ता बोस्ता की कहानियाँ। गुलिस्ता बोस्ता में और ही बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं। गुलिस्ता बोस्ता की कहानियाँ हम अपने ब्लॉग पर शेयर कर देंगे और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिससे आप जा करके कहानियाँ एवं मिस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।